हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जाता रहे चैनल का। तो आइए देखते हैं रेसिपी आज का। आज मैं स्मूदी बनाने वाली हूँ और मिल्क शेक। स्मूदी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। बनाना स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए बनानास। तो मैंने यहाँ पे दो स्मॉल बनानास लिया है, आप एक ग्लास बनाना भी ले सकते हैं। एक ग्लास स्मूदी के लिए 1 कप ऑफ कर्ड, 4 to 5 आलमंड्स, 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ हनी और चिया सीड्स 1/2 टीस्पून। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं चिया सीड्स। एक ब्लेंडर जार ले लेते हैं, उसमें बनाना कट करके डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कर्ड डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें 4 to 5 आलमंड्स डाल देती हूँ। अभी हम इसमें 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ हनी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हनी डाला है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कीजिए। चाहे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चिया सीड्स डाल देंगे। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिया सीड्स ग्राइंड कर लेते हैं। स्मूदी रेडी है, ग्लास में सर्व कर रही हूँ मैं। इसको गार्निश कर रही हूँ मैं चिया सीड्स और आलमंड फ्लेक्स के साथ। अभी आते हैं दूसरे रेसिपी की तरफ। ये है ओरियो मिल्क से। ओरियो मिल्क से के लिए हमें ओरियो बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, हनी और 1 ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए। ओरियो बिस्किट्स आसानी से मिल जाता है बाजार में, उसको लाइए और उसे तोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पे चॉकलेट क्रीम वाला लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल ओरियो बिस्किट जो वैनिला क्रीम वाला आता है वो ले सकते हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्सर जार में डाल के। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैं चॉकलेट्स डाल रही हूँ। आप जो भी नॉर्मल चॉकलेट आता है उसको डाल दीजिए, जो भी अवेलेबल है मार्केट में वैसे चॉकलेट डाल दीजिए। और स्वीटनेस एनहांस करने के लिए मैंने थोड़ा हनी लिया है, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं या 1 to 2 टेबलस्पून हनी, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हम इसमें 1 ग्लास ऑफ मिल्क डाल लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। मेरे मिल्क शेक पूरी तरह से तैयार है। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी से जो बिस्किट्स का ब्लेंडेड बिस्किट्स था उसके पाउडर से और ऊपर से थोड़ा आलमंड फ्लेक्स के साथ। स्मूदी रेडी है, सर्व करने के लिए। एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।